लगभग दो साल हो चुके हैं जब से क्या कि 1% TDS लग रहा था हमारी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के ऊपर। जब हम कोई भी इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे थे तो उसके ऊपर 1% TDS लागू कर दिया गया था, जिसकी वजह से लगभग 90-95% या फिर इससे भी ज्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो खत्म हो चुका था सभी एक्सचेंजेस के ऊपर। बहुत बड़ा लॉस हो रहा था सभी एक्सचेंजेस को, और जिसकी वजह से ना तो ट्रेडिंग हुई है ना ही किसी ने ट्रेड करने का सोचा, और जितना भी क्रिप्टो करेंसी के एसेट्स थे वो सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर मूव हो चुके थे। तो इसका सलूशन आज तक हमें नहीं मिल पाया था। लेकिन अभी क्या कि बहुत लंबे समय से एक ये भी बात चल रही थी कि टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, यानी कि TDS को कम किया जाएगा, 1% की जगह इसको कम किया जाएगा, जो कि अभी तक इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ, यानी कि इसकी फाइनल अपडेट कोई भी नहीं आई। लेकिन इसका सबसे बड़ा लॉस जिनको हो रहा था, उन्होंने सलूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करी। जहां दोस्तों फजीरेक्स के जो कोफाउंडर नेशनल शेट्टी हैं उनको सबसे बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि उनके एक्सचेंज के ऊपर ही सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम था, जिसकी वजह से सलूशन भी वही लेकर आए हैं। लेकिन इनके एक्सचेंज के ऊपर एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी इन्होंने कि अगर आप 10,000 की क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड नहीं करते हो 30 दिनों के अंदर तो आपको क्या कि कोई भी रेफर रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। और ये आप सामने देख भी सकते हैं, जैसे कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा था वजीरेक्स के ऊपर तो मुझे कोई भी अर्निंग नहीं हुई, या लगभग दो साल से ऐसे ही चल रहा है क्योंकि मैंने ट्रेडिंग करी ही नहीं थी। और वैसे भी 1% TDS बाय पर 1% TDS सेल पर तो ऐसे देकर अगर मैं ट्रेडिंग करता भी हूं तो मेरा कोई भी या किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होने वाला, बल्कि उससे लॉस ही होगा। तो ये हम चीज देख सकते हैं, ये क्लियर है कि वजीरेक्स के ऊपर तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन वजीरेक्स के जो निशल शेट्टी हैं उन्होंने ही एक नया एक्सचेंज लॉन्च किया है जिसके ऊपर आपको TDS भी नहीं देना पड़ेगा और 30% टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा सलूशन अभी मार्केट में है, तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम, आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को भी से लाइक कर लो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वॉचड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर मैंने लिंक दे दिया Pi42 का। Pi42 एक नया एक्सचेंज है जो कि निशल शेट्टी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें निशल शेट्टी और जो Zappe के फॉर्मर CEO हैं अविनाश शेखर, इन दोनों ने क्लैब करके Pi42 एक्सचेंज निकाला है, जिसमें क्या कि आप परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग बाकी ट्रेडिंग से कैसे अलग है ये भी आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी से अपना साइनअप कर लो क्योंकि इसके ऊपर कई सारे आपको ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। जनरली जब भी कोई भी नया एक्सचेंज मार्केट में आता है तो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, कुछ ऑफर्स लेकर आता है, कुछ बोनस लेकर आता है जो आपको Pi42 का मिलने वाला है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले वजीरेक्स से ही शुरुआत कर लेते हैं। वजीरेक्स का आपको बताया कि इतना बड़ा लॉस हुआ, लॉस किस तरीके से, क्योंकि कोई भी TDS देने के लिए रेडी नहीं है। TDS देना तो अलग चीज़ है, इसी के साथ साथ कोई भी ये नहीं चाहता कि उनकी इनकम कितनी हो रही है, अर्निंग कितनी हो रही है, कि उसको एक्सपोज किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे इतनी KYC कर चुके हैं, KYC की वजह से भी और TDS की वजह से भी हमारी इनकम एक्सपोज होती है। हालांकि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, अगर हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कोई खास प्रॉफिट नहीं हुए हैं बहुत लंबे समय से, लगभग 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तभी आपको प्रॉफिट होने वाले हैं। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए आप वजीरेक्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो निशल शेट्टी हैं ये अपना फ्यूचर्स ट्रेडिंग इस पे भी लॉन्च कर सकते थे, वजीरेक्स के ऊपर भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन ये इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत लंबे समय से कन्फ्लिक्ट यही चल रहा है कि वजीरेक्स है किसका, वजीरेक्स क्या निशल शेट्टी का है या फिर वजीरेक्स अभी भी बाइनेंस ओन्ड है, जो कि अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया, इसकी कोई भी फाइनल स्टेटमेंट नहीं आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया जिस वजह से कोई भी यूज़ इसको नहीं कर रहा था, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए खासकर कोई नहीं यूज़ करना चाहता, और इसके ऊपर रेफरल अर्निंग भी नहीं हो रही है, तो मैं भी इसके ऊपर या फिर कोई भी इसके ऊपर ट्रेड क्यों ही करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 10,000 की ट्रेडिंग आपको करनी जरूरी है 30 दिनों के अंदर, तभी आपको रेफरल इनकम मिलेगी। हालांकि मैंने इस चीज़ के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार सडनली मैंने चेक किया तो ये चीज़ भी हमें मुझे दिखी थी। अब आप देख सकते कि TDS एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी इंडिया में, या फिर सारे ट्रेडिंग वॉल्यूम फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर ही चला गया था। तो पॉसिबिलिटी एक ये बन रही है कि पोस्ट इलेक्शन बजट में हो सकता है कि TDS को कम किया जाएगा, या फिर जो भी क्रिप्टोकरेंसीज के ऊपर, क्रिप्टोकरेंसी के इनकम के ऊपर टैक्सेस है 30%, इसको भी रिकंसीडर किया जाए। जो 1% TDS है इसको 0.1 के आसपास लाया जा सकता है। जो 30% टैक्स है क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग के ऊपर, ये शायद उतना ही रहे, लेकिन TDS को उम्मीद है कि कम किया जा सकता है। लेकिन ये होगा या नहीं होगा इसको मानकर हम नहीं चल सकते, क्योंकि तब तक क्या कि मार्केट हो सकता है आज थोड़ी बुली चल रही है तब तक बेरिश मार्केट हो जाए। तो इसका सलूशन हमें चाहिए तो अभी के अभी ही चाहिए, क्योंकि जब मार्केट अच्छी चल रही है अगर हम इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो हमारे जितने लॉस पहले हुए हैं उन लॉसेस को भी हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज का सलूशन लेकर आए हैं Pi42 निशल शेट्टी जी। तो Pi42 एक्सचेंज है, इसका आप देख सकते हैं कि अभी जो वर्जन आया है एंड्रॉयड का तो आ चुका है, एंड्रॉयड के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल इकोसिस्टम के लिए अभी ये नहीं आया है, जो कि बहुत ही जल्द पूरी उम्मीद है कि आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कमिंग सून ऑन ऐप स्टोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स बटन आपके ऊपर बिल्कुल नहीं रहने वाला, बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। 1% TDS आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 30% टैक्स जो फ्लैट था ये भी नहीं रहने वाला, और 10-20x का लेवरेज रहेगा, यानी कि जहां आप 1 BTC को ट्रेड करते थे अब 1 BTC की जगह आप इसको 20 BTC का भी ट्रेड लगा सकते हैं।
या फिर और भी आसान भाषा में, अगर आप $100 लगाते हैं तो 100 की जगह आप यहाँ पे $2,000 का ट्रेड ले पाओगे सिर्फ $100 से। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक ये इंडिया को, इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, जो कि बहुत लंबे समय से एक्सपेक्टेड थी। और एक और चीज, यहाँ पे ऑफसेट लॉसेस का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आपके लॉस हो रहे हैं तो आप उसको ऑफसेट कर पाएंगे विद योर प्रॉफिट्स। जितना प्रॉफिट है उसमें से आप अपने जो लॉसेस हैं उनको माइनस कर पाएंगे, जो एक्चुअल में आपका जो प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। मेरे हिसाब से टैक्स देना या नहीं देना वो अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि वो हो सकता है कि हमारे लॉसेज आ जाएं तो हम शायद उसको इतना कंसीडर नहीं कर पाएंगे, लेकिन TDS हमारा मेन है क्योंकि TDS साथ के साथ कट जाता है। हालांकि TDS ने पिछली बार गवर्नमेंट को बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है इसी क्रिप्टो करेंसी की TDS के द्वारा, लेकिन इस TDS की वजह से ही हम इतना ट्रेड नहीं कर पाए। तो दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ जो कि शायद सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही मैटर करते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है रेजर थिन स्प्रेड्स, यानी कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि जहाँ पे आपने ऑर्डर लगाया है, जहाँ पे आपका बाइंग या सेलिंग है उसी प्राइस पे हो जाएगा, यानी ना कि ऊपर या नीचे होगा। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बताया हुआ है, जिसमें आपको स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट का भी ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि जनरली किसी भी फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे इनसाइट्स एंड टूल्स मिलने वाले, जिससे और भी आसान आपकी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग होने वाली है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है, यानी कि किस तरीके से इन्होंने पॉसिबल किया कि 1% TDS हमें नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पढ़ सकते हैं, क्रिप्टो फ्यूचर्स डू नॉट क्वालिफाई एज ए VDA अंडर सेक्शन 247A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इसके अंडर फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आती है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात कर लो या फिर क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की बात कर लो, ये क्वालिफाई नहीं होते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए, यानी कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में इसके ऊपर 5 ही क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसमें BTC, इथेरियम, सोलाना, पॉलीगोन एंड XRP है। आई थिंक ये पांचों भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद कार्डानो जैसे ही या फिर और अच्छे कॉइन्स भी होते तो आने वाले समय में आई थिंक ये ऐड हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आप इजीली INR डिपॉजिट कर पाओगे, मैनुअली खुद कर पाओगे, जो कि आप बैंक्स के द्वारा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो फीस रहने वाली है 0.1% की फीस रहेगी इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर्स के ऊपर, और ₹15 रहने वाला है फ्लैट विड्रॉल फी पर ट्रांजैक्शन के ऊपर, यानी कि फीस भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसी के साथ अगर हम मेकर एंड टेकर फी की बात करें 0.05% है, जो कि आज से बहुत समय पहले एक्सचेंज के ऊपर वजीरएक्स एक्सचेंज के ऊपर इतनी ही होती थी, और टेकर फी है 0.1%, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आई बिलीव कि इतनी भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको अभी से ही Pi42 को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर आप ट्रेडिंग अपनी शुरू कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो स्पॉट में क्या कि आप किसी भी वॉलेट के ऊपर बाय करके रख लो, तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली TDS की। तो अगर आप स्पॉट सिर्फ होल्डर हैं तो आपके लिए शायद ये नहीं है, लेकिन अगर आप खुद ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड करना सीखना चाहते हैं और ट्रेड के द्वारा अर्न करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा एक्चुअल में अर्न करना चाहते हैं, लेवरेज लगाकर, TDS से बचकर, टैक्स से बचकर, अपने जो लॉसेज उनको ऑफसेट करके, तो Pi42 आपके लिए बनाए। तो आई थिंक Pi42 आपको साइन अप कर लेना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो Pi42 को लेकर, फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर, नीचे कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।